नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रसून दुबे। आज फिर मैं आपके सामने आया हूं एक नया टॉपिक लेकर जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के लोक नाट्य। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूर दूर तक फैलाएँ। मैं आपके लिए बड़े ही शानदार छोटे छोटे वीडियो लेकर आ रहा हूं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के लोक नाट्य। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य आज हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य सर उसी क्रम में पढ़ना है जिस क्रम में अभी तक पढ़ते आए हैं। सर इनको हम चार पोर्शन में बांटकर पढ़ेंगे। पहले पोर्शन का नाम होगा निमाड़, दूसरे पोर्शन का नाम होगा मालवा और तीसरे पोर्शन का नाम होगा बुंदेलखंड और चौथे पोर्शन का नाम होगा बघेलखंड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, इसके पहले मध्य प्रदेश के लोक गायन और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य दोनों वीडियो YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में देखें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के नाम से, उसमें आप जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो इन चार पोर्शन में हमें पढ़ना है, सबसे पहले निमाड़ के बारे में, फिर मालवा के बारे में, फिर बुंदेलखंड के बारे में और फिर बघेलखंड के बारे में। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि बताइए, बधाई जो है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर करेंगे सभी लोग। बधाई किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है ना, बधाई किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर जरूर करेंगे। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य बिल्कुल आसान है, याद करने में ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं हमें। देखिए, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य पढ़ने के लिए हम देखेंगे ध्यान से, निमाड़ में आएगा। निमाड़ में दो ही लोक नृत्य हैं, सॉरी लोक नाट्य हैं, एक का नाम है रहस और एक का नाम है गम्मत। रहस और गम्मत। बार बार बोलने का कारण क्या है सर? कारण यही है कि बार बार बोलने से हमें याद होता है, इस बात को आप लोग नोट करके चलेंगे। रहस और गम्मत। उसके बाद आएगा मालवा। मालवा का जो है उसे हम माच कहेंगे या माचा। इसकी एक विशेषता है सर, यह मध्य प्रदेश का, प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का लोक नाट्य क्या है, तो आप ध्यान रखना माचा जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न आता है कि बताइए मध्य प्रदेश का लोक नाट्य क्या है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो लोक नाट्य है वो माचा है। अगर प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश का लोक नाट्य माचा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से आता है, तो सर मालवा। माँ से माचा और माँ से मालवा किस क्षेत्र से आता है? सर मालवा क्षेत्र से आता है। तो इस बात को भी अपनी कॉपी में नोट करके चलेंगे। माचा कहाँ का है? मालवा का, और यही मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। जिसे हम क्या कहते हैं, माचा। बुंदेलखंड की बात करेंगे तो बुंदेलखंड में केवल एक ही लोक नाट्य आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने नृत्य पढ़ाए हैं। और लास्ट में हम चलेंगे बघेलखंड की ओर। बघेलखंड में देखिए, ये थोड़े आसान है तो जल्दी याद हो जाएंगे हमें। रहस गम्मत माचा और स्वांग। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बघेलखंड में सबसे पहले आएगा मनसुखा, उसके बाद आएगा हिंगोला, उसके बाद आएगा लकड़बग्गा, उसके बाद आएगा नौटंकी, उसके बाद आएगा जिंदवा और लास्ट में आएगा आपका छाहुर। तो कितने हो गए सर? मनसुखा, हिंगोला, लकड़बग्गा, नौटंकी, जिंदवा और छाहुर। देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश के लोक नाट्य हैं जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है। निमाड़ में दो हैं रहस और गम्मत। मालवा में एक है माचा, बुंदेलखंड में भी एक है स्वांग, और उसके बाद यहाँ पे आपके गिनती में छः आएंगे, मनसुखा, हिंगोला, लकड़बग्गा, नौटंकी, जिंदवा और छाहुर। बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो। एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका आप,
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए इसको मैं एक बार रिवाइज कराने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं लोक नाट्य, हम पढ़ने जा रहे हैं सर मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। चार पोर्शन में हमने पढ़ा है इनको। सबसे पहले आएगा निमाड़, निमाड़ के बाद आएगा सर मालवा, मालवा के बाद आएगा सर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद आएगा सर बघेलखंड। बिल्कुल आसानी से याद करेंगे अपन बघेलखंड, एक बार देख जरूर लेना दोबारा से। देखिए सबसे पहले आएगा रहस, सबसे पहले आएगा रहस, रहस के बाद आएगा गम्मत, रहस गम्मत माचा। ये जो आपका क्या है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है माचा। उसके बाद आएगा बुंदेलखंड में स्वांग, क्या आएगा स्वांग। यहाँ आएगा मनसुखा, हिंगोला, लकड़बग्गा, लकड़बग्गा, नौटंकी, जिंदवा और छाहर। तो देखिए कितनी आसानी से हम चीज़ों को याद कर गए। ध्यान देंगे, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक मैं तीन चीज़ें कवर करा चुका हूं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के लोक गायन ये तो बहुत पहले करा दिए थे मैंने, और इसके पहले वाले वीडियो में मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, लोक नाट्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, इसके बाद ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की चित्रकला, इसके बाद के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की शिल्पकला। साथ के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं, इसके साथ हम जनजातियां भी पढ़ रहे हैं। जनजातियों में अभी हमने एक जनजाति कवर की है जिसका नाम है गौड़ जनजाति। इसके बाद हम आगे की जनजातियां एक एक वीडियो में कवर करते रहेंगे। और ये सारा मटेरियल मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट का नाम है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। तो उस प्लेलिस्ट में आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।